नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने के साथ ही बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर उनकी परेशानियों को जाना है और राहत सामग्री का वितरण भी किया है। बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाल दिग्गजी में मौजूद बसंतपुर के बाल विहार विद्यालय पहुंचकर ही बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात किया है और उन्हें राहत सामग्री का वितरण भी किया है। और रात में विश्राम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर मंदिर में करेंगे और सुबह जनता दर्शन में आएंगे और फरियादियों की फरियाद सुन उनके निस्तारण का अधिकारियों को निर्देश भी देंगे। राप्ती और सरयू का जो संगम होता है, उसके कारण आसपास के क्षेत्रों में जो तत्काल जल भराव और भीषण बाढ़ की समस्या खड़ी होती है, उससे बचाव का क्या रास्ता हो सकता है, उसको हम लोग देख रहे हैं। उसका पूरा सर्वे भी हो रहा है और बरसात के बाद एक बार फिर से सर्वे करने के बाद हम इस कार्य को करेंगे। हमने इस बारे में प्रशासन को बहुत स्पष्ट निर्देश दिया है कि हर बाढ़ पीड़ित को, जिनके घर में भोजन बनाने की स्थिति नहीं, उसको दिन में दो बार कम से कम भोजन की व्यवस्था उससे करें। सूखा राहत राशन भी उपलब्ध कराने के लिए राशन किट के लिए 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, 5 किलो लाई, 2 किलो भुना चना, 2 किलो अरहर की दाल, रिफाइंड तेल और मसाले, नमक, 5 लीटर केरोसिन, ये सभी चीजें उसे उपलब्ध करवाने के साथ ही पर्याप्त मात्रा में नौकाओं की व्यवस्था भी हर गांव में करें। अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैदराबाद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में आह्वान के बाद ही बसमांदा में ही मुसलमानों की सामाजिक आर्थिक मुक्ति के लिए यूपी बीजेपी भी जुट गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने मुस्लिम आउटरीच के हिस्से के रूप में ही समुदाय के लिए बीजेपी अपने पहले सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है और 16 अक्टूबर को ही लखनऊ में यूपी बीजेपी मुस्लिम मोर्चा द्वारा आयोजित होने वाले सम्मेलन में बसमांदा समुदाय के भीतर कई उपजातियों के 1000 से ज्यादा प्रतिनिधियों की उपस्थिति देखने की उम्मीद है, जो मुसलमानों के बीच लगभग 80% मतदान आबादी का हिस्सा है। और बता दें आपको कि इस अधिवेशन में ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी सहित यूपी बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी और मंत्रियों के मौजूद रहने की उम्मीद है। अब खबर अंबेडकर नगर से है। अंबेडकर नगर जिला घाघरा नदी के ही उफान के कारण भीषण बाढ़ की चपेट में है और वहीं इस आपदा के बीच ही लोगों को राहत पहुंचाने के लिए जिम्मेदारी उठाए अंबेडकर नगर के जिला अधिकारियों का एक वीडियो वायरल हो रहा है और जिसको लेकर वो अब ट्रोल भी हो रहे हैं। इस वीडियो में डीएम और सैमुअल पोल को स्थानीय लोगों को इलाके में बाढ़ राहत शिविर स्थापित करने के बारे में बता रहे हैं और इस दौरान उन्होंने गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए कहा है कि अगर आप घर पर रह रहे हैं तो क्या हमें आपको खाना भेजना चाहिए? सरकार जोमैटो सेवा नहीं चला रही है। इस दौरान डीएम सैमुअल पोल ने ही लोगों से कहा है कि बाढ़ राहत शिविर में रहने की व्यवस्था है, हम आपको क्लोरीन की गोलियां देंगे, अगर आपको कोई समस्या हो रही है तो डॉक्टर यहां आकर आपको देखेंगे और यही बाढ़ राहत शिविर का उद्देश्य है। हालांकि जोमैटो वाले बयान को लेकर ही अब डीएम की जमकर किरकिरी भी हो रही है। रुकने के लिए व्यवस्था है, क्लोरीन टैबलेट दे देंगे, किसी को कोई समस्या नहीं आएगा, कोई बीमार है तो डॉक्टर आके देख लेगा। भाई आप इसलिए बाढ़ चौकी स्थापित होता है, बाढ़ चौकी क्या पर्पस है? आप लोग घर पे रहेंगे, हम लोग घर पे पहुंचवाएंगे खाना? जोमेटो सर्विस थोड़ी चला रहे हम लोग सर, कैसे जोमेटो थोड़ी चला रहा है सरकार? उरई जालौन की एक युवती अपनी बहन के घर कानपुर देहात गई थी, जहां वो अपने प्रेमी से मिलने पहुंच गई। दोनों को मिलते हुए उसके रिश्तेदारों ने देख लिया और जिस पर उन्होंने लड़के और लड़की को पकड़कर शादी करा दी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बताते चले कि मामला जालौन से जुड़ा हुआ है, जहां पर यह वीडियो सामने आया है। प्रेमी प्रेमिका की शादी कराई गई है।
खबर चंदौली से है। चंदौली के मोहम्मदपुर गांव में बीती रात घर के समीप 28 वर्षीय युवक की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई है, जिसका शव सुबह देखते ही लोगों में हड़कंप मच गया है। घटना की सूचना परिजनों द्वारा तत्काल पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस देर से पहुंची। सूचना के बाद ही पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल भी घटनास्थल पर पहुंच गए और उन्होंने बताया कि जांच की जा रही है और पुलिस शव को कब्जे में लेकर ही पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अपराधियों की खोज में जुट गई है। देखिए, थाना मुगलसराय में शिवाला चौकी ये पड़ती है। इसमें एक व्यक्ति जिनका नाम कौशर है और बब्बन उम्र लगभग 28 से 30 साल, इनको किसी धारदार हथियार से काट दिया गया है। मल्टीपल जगह पे बॉडी पे काटा गया, जिससे इनकी मृत्यु हो गई है। जो अभी तक बात सामने आई है, ये घटना रात की है, लगभग 12:30-1 बजे के आसपास की घटना है। और जो इनके साथ के जो घर वालों ने बताया है कि कोई जो दोस्त यार थे उसी में से कोई लोग इन्वॉल्व हैं, क्योंकि पहले आपस में बैठे हुए थे, उसके बाद कोई बात हुई है जिसके कारण इनके ही दोस्त यारों ने इनके ऊपर हमला किया है। तो सभी एंगल्स पर जांच की जा रही है। जो घर वालों की तरफ से तहरीर दी जा रही है, उसमें 302 का मुकदमा लिखा जा रहा है। जिन लोगों को नामजद कर रहे हैं उनको सबको नामजद किया जा रहा है। उनकी सभी के लिए अरेस्टिंग के लिए टीम निकाल दी गई है। वहीं श्यामपुर पुलिस ने घर में गड़ा धन निकालने का लालच देकर लाखों की ठगी करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार भगवंत सिंह पुत्र वीर सिंह निवासी सज्जनपुर पीली थाना श्यामपुर जनपद हरिद्वार निवासी ने थाना श्यामपुर में ही लिखित तहरीर देकर सूचना दी थी कि 5 महीने पहले बिजनौर निवासी प्रदीप जोशी के घर में गड़े हुए धन को बाहर निकालने और धन का बाहर न निकालने पर परिवार में पुत्रों की अकाल मृत्यु होने का भय दिखाकर शिकायतकर्ता से कही गई थी और चरणों में ही लाखों रुपए धोखाधड़ी करके ठग लिए गए थे, और जिस पर थाना श्यामपुर पुलिस ने अभियुक्तों को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है। और इसके साथ ही धोखाधड़ी के मामले में थाना श्यामपुर पुलिस ने टीम गठित कर योजनाबद्ध तरीके से अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। 11 अक्टूबर को श्यामपुर निवासी दीपकवत जी ने तहरीर की थाने पर कि 4-5 महीने से बिजनौर के कुछ व्यक्ति जो गड़े हुए धन को लेकर उनसे लगातार पैसे ठग रहे हैं, और जिस पर उन्हें लगभग 12.5 लाख रुपया उनसे अब तक ठगी कर ली पैसों की। उस संबंध में तहरीर दी थी, जिस पर तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया गया, और मुकदमा दर्ज करने के बाद हमारे द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। बाजार में गेहूं की किल्लत के बीच ही किच्छा रोड के गोदाम से सस्ता गल्ला विक्रेता को आवंटित बोरों के साथ 150 क्विंटल गेहूं मिला है, जबकि काफी समय से रास्ता जो सस्ता गल्ला था कि दुकानों पर ही उपभोक्ताओं को गेहूं का दाना भी नहीं बांटा जा रहा, जिसके बाद से ही गेहूं बरामदगी का जो मामला है बाजार से जोड़ने का प्रयास तेजी से किया जा रहा है। और लेकिन गोदाम में मिले सरकारी बोरे गरीबों के हिस्से के गेहूं की गवाही दे रहे हैं। पूर्ति विभाग ने किच्छा रोड में एक गोदाम से ही 300 बोरे जो गेहूं है वो बरामद किया है। इन बोरों में सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं को आवंटित तो बोरे भी मिले हैं, जबकि सस्ता गल्ला विक्रेताओं की दुकानों पर गेहूं की जगह काफी समय से चावल ही वितरित किया जा रहा है। और इन हालातों में सरकारी बोरे और गेहूं का संदिग्ध गोदाम मिलने के बाद से ही जिम्मेदारों की गर्दन पर तलवार लटकती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। पूर्ति विभाग मामले की लीपापोती में लगा हुआ है, जबकि हालात ये हैं कि बाजार में गेहूं का टोटा है और परचून की दुकानों पर भी ग्राहकों को गेहूं का आटा मिलने में दिक्कतें हो रही हैं। ग्राहक पैकिंग का आटा खरीदने को विवश हैं। इससे पहले भी पीलीभीत रोड पर एक गोदाम से गेहूं का ढेर और सरकारी बोरे बरामद हो चुके हैं, लेकिन विभाग ने लीपापोती कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। एक शिकायत मिली थी कि अवैध रूप से जो है वो गेहूं और चावल का भंडारण किया गया है। इसके संबंध में जांच की गई है और खाद्य विभाग की टीम और मंडी की टीम मौके पर आई। इसमें कुछ सैंपल जो है वो चेक किए गए हैं और अभी जांच इसमें जारी है, और लाइसेंस और जो मंडी का रजिस्ट्रेशन होता है इसके संबंध में कागजात दिखाने के लिए थोड़ा वक्त दिया गया। आगे जो भी कार्रवाई होगी आपको अवगत कराया जाएगा। पौड़ी में कल सुहागिनों का सबसे बड़ा त्यौहार करवा चौथ का व्रत चांद निकलने के साथ ही पूरा हो गया। एक दिन पहले ही
तैयारियों में जुटी महिलाएं सोला श्रृंगार कर दुल्हन की तरह सजी सवरी दिखाई दी और सुहागिन महिलाओं ने जहां अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना की और इसके साथ ही निर्जला व्रत भी रखा, तो वही करवा चौथ की पूजा और कथा सुनने के बाद ही पूरी शहर में भी सुहागिन महिलाएं चांद निकलने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। करीब 8:30 बजे ही मंडल मुख्यालय पौड़ी में जब चंद्रदेव के दर्शन हुए तब जाकर शहर में भी सुहागिन महिलाओं ने चांद के दर्शन किए और अर्घ देकर ही अपने पति के हाथों से पानी पीकर करवा चौथ के व्रत को पूर्ण किया। करवा चौथ पर निर्जला व्रत रखकर महिलाओं ने चांद का दीदार किया है और फिर अपने पति के सलामती के लिए मंगल कामना भी की है। शाम को चांद निकलने से पहले पूजा अर्चना कर बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त किया है और महिलाओं ने पति से अनेक उपहार भी प्राप्त किए हैं। महिलाओं ने परंपरा के अनुसार ही सुबह से ही व्रत रखकर चांद निकलने के बाद चांद का दीदार करते हुए अपना व्रत तोड़ा है और अपने पति के लंबी आयु के लिए कामना भी की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।